हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी का हम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग प्रोफाइल पिक्चर अपना यूट्यूब का चेंज कर सकते हैं और इसका जो आरटी इमेज होता है, यहाँ पे जो इमेज लगता है उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे हम लोग न्यू इमेज यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है दोस्तों, आप जो भी न्यू यूट्यूबर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के अपडेट हमारे चैनल से थ्रू मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मेरे में यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र है, इसलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर पर आप लोग देख रहे होंगे सर्च बार जो है आपका, यहाँ पर आपको सर्च करना है www.youtube.com, ठीक है, www.youtube.com, देख पा रहे हैं ऊपर मेरा आ गया है, उसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ओपन हो रहा है, वेट कीजिए। तो इसको ओपन होने के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं थ्री डॉट, उस पर क्लिक करना है और आपको इसको डेस्कटॉप मोड में सेट कर लेना है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र को। देखिए डेस्कटॉप मोड में इसको सेट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे, मेरा देखिए यहाँ पहले से डेस्कटॉप मोड में है इसलिए मैंने इसके नहीं किया, आप लोग इसको सेट कर लें। उसके बाद सेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पहले से यूट्यूब का यहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा, ठीक है, उसको आपको टच करना है फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर देखिए योर चैनल, उसके बाद आपको यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक करना है। चलिए करते हैं, वेट कीजिए। देखिए ये मेरा जो है चैनल ओपन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो चैनल है नेम है यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है इसका और यहाँ पे आर्ट इमेज जो है उसको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए प्रोफाइल इमेज जो है उसको चेंज करते हैं। तो प्रोफाइल इमेज चेंज करने के लिए आपको प्रोफाइल, पहले से जो प्रोफाइल है वहाँ पर टच करना है, ठीक है। इसके ऊपर टच करते ही आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, तो वेट कीजिए, यहाँ पे पेज जो है रिलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा प्रोफाइल पिक्चर वाला पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे देख पा रहे होंगे आप लोग चेंज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये मेरा पहले से प्रोफाइल पिक्चर है और यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो चेंज पे क्लिक करेंगे और आप लोग इसको यदि हटाना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देंगे इसको हम लोग, क्योंकि हम लोगों को दूसरा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे सेट करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम कंप्यूटर, इस पर क्लिक करना है, वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट के बाद आपको यहाँ पर ऊपर टच करना है, उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर गैलरी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, गैलरी में आ जाना है आपको। गैलरी में आने के बाद आप लोग जहाँ पर भी इसमें फ़ोटो रखे हैं, जिस किसी भी फ़ोटो को आप लोग उसमें लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, अब वेट कीजिए, वो फ़ोटो यहाँ पे शो ऑफ होगा अभी। तो देखिए ये फ़ोटो जो हमारा आ चुका है, ठीक है, इसका साइज़ आप लोग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पर भी आपको रखना है इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर सेट एज ए प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, वेट कीजिए, ये जो है प्रोफाइल फ़ोटो ये सेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रोफाइल पिक देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे सेट हो चुका है ना। तो प्रोफाइल पिक जो है दोस्तों वो सेट हो गया। अब इसके बाद बैक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैक हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाला फ़ोटो यहाँ पर हमको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर चेंज करने के लिए इस पर आप टच करेंगे, तो उसके बाद देखिए टच करने के बाद आपको यहाँ पे जो फिर उसी सेम टाइप से यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोटो पे करना है आपको क्लिक। सेलेक्ट फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपका फिर से यहाँ पे जो है, सॉरी थोड़ा रुकिए, और यहाँ पे आपको फिर से कंप्यूटर पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे बैक जाएंगे और गैलरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका जहाँ भी फ़ोटो रखे हैं उसको आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं,
जो भी आप लोग वहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो फ़ोटो जो है वो अपलोड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ़ोटो का जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं उसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइट, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिसाइज़ करना पड़ेगा। तो रिसाइज़ का जो साइज़ है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, देखिए ये जो है हमारा नहीं हुआ है ना। योर द फोटो दैट यू हैव अपलोडेड इज़ टू स्मॉल एंड इट मस्ट बी एट लीस्ट 248 पिक्सल वाइड एंड 1152 पिक्सल टॉल, है ना। तो यहाँ इसलिए ये फ़ोटो हमारा क्या हुआ, अपलोड नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, इस फ़ोटो को हमको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका रिक्वायरमेंट है जिस साइज़ का, उस साइज़ में इसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग मोबाइल फ़ोन से ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग अपना एक न्यू ब्राउज़र जो है, न्यू टैब यहाँ पे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है IMG, ठीक है। IMG ये वाला लिंक पे आपको टच करना है, ठीक है। इसका मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पेज पे डायरेक्टली आ सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए। IMG2 गो रिसाइज, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट करने का फ़ोटो ऑप्शन मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए कर लेते हैं चूज़ फाइल पे क्लिक। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, गैलरी पे जाएंगे। गैलरी पे जाने के बाद आपका यहाँ पे जो भी फ़ोटो आप लोग लगाना चाहते थे उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो जो आपका अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा जो है अपलोड होने लगा। जब ये 100% हो जाएगा तो वेट कीजिए तब तक 100% होने का। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद तब तक देखिए यहाँ पे नीचे में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे PNG में है, ठीक है। और हमारा विड्थ जो है देख पा रहे होंगे कितना विड्थ है, 65,000 के 65,000 के राउंड है। इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। विड्थ हाइट सारा कुछ को यहाँ पे जो है जो हमारा रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से यहाँ पे सेट करेंगे और उसके बाद फ़ोटो को एडिट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से हमारा अपलोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा फ़ोटो जो वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है अपलोड हो जाने के बाद, और यहाँ पे विड्थ जो है आपका, विड्थ में यहाँ पे हम लोग अराउंड 2500 के आसपास रखेंगे और हाइट में 1500, ठीक है। इसको करने के बाद फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर दिए हैं, थोड़ा वेट कीजिए, ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आप लोग देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यदि नहीं हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लें, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो वेट कीजिए, ये फाइल जो है डाउनलोड हो रहा है, 4.16 MB के आसपास का फाइल है। अभी तक डाउनलोड हो ही रहा है तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद इसको डाउनलोड, जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमको नेक्स्ट जो यूट्यूब वाला पेज था वहीं पे बैक जाना है और वहाँ पे जाके फिर सेम प्रोसेस को अप्लाई करके और इस फोटो को जो अभी हम लोगों ने एडिट किया था उसको हमको वहाँ पर अपलोड करना है। तो जो बहुत ही ईजिली तरह से ये जो है दोस्तों अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा पहले डाउनलोड हो जाने देते हैं फिर इसको करेंगे। नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। जाना है
और आपको जो आपका जो पहले वाला पेज था जो हम लोगों ने YouTube वाला, उस पेज पे आपको चलना है, ठीक है। तो उस पेज पे हम लोग यहाँ से चलें, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों मेरा डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए बैक पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेरा जो पहले वाला पेज था हमारा YouTube स्टूडियो वाला, वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, फिर से सेम यहाँ पे सेम प्रोसीड्यूर अपनाएंगे, सेलेक्ट ए फोटो फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फिर आपका डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे नीचे बैक गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अभी जो आपने डाउनलोड किया था वो डाउनलोड फोल्डर में होगा। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जो इमेज डाउनलोड हुआ उस पर क्लिक कर देना है और वेट कीजिए। यहाँ पे अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस बार जो है दोस्तों ये हो जाएगा अपलोड, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब का जो भी जितना वो साइज़ में खोज रहा था हम लोग ने उस साइज़ में उसको फ़ोटो को एडिट करके ले आए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है इस बार। थोड़ा अपलोड होने में टाइम लग रहा है क्योंकि इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम साइज़ आप 6 MB का ही फ़ोटो रख सकते हैं और मेरा 4 MB के कुछ आसपास का था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर देखिए यहाँ पे ये अपलोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 चीज़ का यहाँ पे शो अप हो रहा है, ठीक है। एक डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है आपको, एक TV व्यू दिख रहा है, एक मोबाइल व्यू दिख रहा है। तो आप जिस भी व्यू में यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो है वो मोबाइल में ही लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट द पिक्चर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट मींस क्या, यहाँ पे जो आप लोग जो लिखा हुआ पार्ट है उसको ऊपर नीचे आप लोग साइज़ उसका जो है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको कितना सा पार्ट चाहिए उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे करके जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद करने के बाद फिर आपको फिर जो है यहाँ पे डिवाइस प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, उसके बाद देख लेना है सब कुछ, यदि आपको ठीक लगे तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेट कीजिए, यहाँ पे सेविंग हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर सेविंग हो रहा है, ठीक है। देखिए कुछ देर में यहाँ पे जो है न्यू वाला हमारा वो शो ऑफ होने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाला जो इमेज था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब न्यू इमेज जो भी हम लोगों ने लगाया वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना YouTube चैनल पे और देखते हैं क्या वहाँ पे चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको बैक करके हम आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजिंग आया। थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क की वजह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोटो जो है वो अपलोड हो चुका है, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और आपका जो आर्ट पिक्चर था वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, पर यहाँ पे आपको दिखा के ही हम रहेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से जो है मेरा प्रोफाइल पिक्चर और ऊपर का आर्ट इमेज जो था बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना YouTube चैनल का प्रोफाइल पिक्चर और आर्ट पिक्चर दोनों चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी प्रोसेस से बताया। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो भी न्यू YouTube चैनल खोले हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो यही था वीडियो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो फिर से बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।